आप आ गए। किससे पूछ रहे हैं? मैं। ओके। Thank you. कोई कुछ बोलेगा क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी। या एक्सक्यूज, आपका नाम टिक है? नहीं। तो आप टोक क्यों रहे हो? चला चांद में जाके तो चंद्रयान आंसर थे। आप कोरियोग्राफर बने, फिर आप डायरेक्टर बने, ठीक है, अब आप सुपर जज बन गए हो। सर मेरा प्रमोशन कब होगा? सर मेरा बता क्या बनना, क्या तुझे? सर बनने का तो मैं सुपर जज बन जाओ यू। जो ये तीन करते हैं वो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बैठ सकता सीट में, मैं एक प्लस नहीं काट सकता और फालतू की बातें नहीं बोल सकता। तो जड़ थी, जड़ का जो नीचे पानी था वो कम था, इसलिए मैं एक बॉक्स काट रहा हूँ। अरे मैं बोल लूं आपने क्या? मैं धर्मेंद्र भाई की तरह नहीं कर सकता। नाइस नाइस बॉस, नाइस। मैं शक्ति की तरह नहीं कर सकता क्या? मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। नहीं कर सकता। मेरा प्रमोशन कब होगा सर? मैं पहले भी बकैती करता था, अभी भी बकैती कर रहा हूँ। शक्ति क्या? Did you just fart? No. Because you blew me away. इतनी गंदी लाइन मारता है तू। एक और है, this one is for you. Why didn't God drink cough syrup? भगवान ने कफ सिरप क्यों नहीं पिया होगा? क्यों? क्योंकि खुदा ना खास्ता। देखो मुझे वेलक्रो नहीं खाना यार। भाई साहब एक और टैलेंट है मेरे को मालूम है। पहले तो दोनों के माइक लो, अब इतना अच्छा वन लाइनर का। कैप्टन धर्मेश का चैलेंज है तो उनसे पूछते हैं। कैप्टन धर्मेश जी, आपको भालू बन के कैसा लग रहा है आज? भालू बन के और मेरे ख्याल से नॉर्थ पोल का भालू होली के टाइम पे बनारस चले गया था। उसपे काफी उसको रंगारंग कर दिया है। और गोवा में क्या हुआ था मैं बताता हूँ आपको। धर्मेश तुम भी कम नहीं हो, एक ही थैली के ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सर। और हम घर पे बात करें। शाम को चकना वकना जब सब होगा। बता दे ये मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। बोल दे आज कि क्या हुआ था ना कि ये चार लोग जो है गोवा गए थे। हाँ, फिर क्या हुआ था? फिर वही हुआ था जहाँ पर आपने मुझे भेजा था। क्या हुआ था? माफ कर दो मेरे प्रभु। धर्मेश तू मेरा बहुत अच्छा बच्चा है ना, अकेले में मिलते हैं ना अभी थोड़ी देर में, आधे घंटे बाद। क्या हुआ था? कुछ मैंने बेड पे सुसु कर दी थी गलती से। और इनके दोस्तों से पता चला क्या कि ये तो नॉर्मल है इसके लिए। ये पिछली दिनों में धर्मेश भाई के घर बैठा हुआ था तो बिस्तर के नीचे मुझे एक पीले रंग का वो दिखा, लेटर। अब मैंने सोचा कि अच्छा नहीं लगता किसी और का लेटर पढ़ा ही नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं तो तो लेटर मिला मुझे। लेके भी आया है? तो ये लेटर बेसिकली धर्मेश भाई अपनी जो वाइफ है होने वाली हॉट मिस हॉटनेस, यस, उनके लिए लिखा है इन्होंने। अच्छा, मिसेज यलांडे, तुम होती तो मैं जिंदगी के हर पल में होता टुनुन टुन टुनुन टुन। हमारा रोमांस होता चुम्बेश्वरी के माफिक। देखकर दुनिया कहती स्टूपेंडो फंड।